नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शनिश्चरी अमावस्या पर आज उज्जैन के शिप्रा नदी के राम घाट एवं त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। बड़ी बात यह है कि दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी पर बने फव्वारों से नहान के बाद अपने जूते और कपड़े वहीं दान के रूप में छोड़ दिए। इस बार नदी में पानी अधिक, गहरा कीचड़ हो रहा और कोविड के कारण ज्यादा भीड़ के इकट्ठा नहीं होने से और घाट के पास हुए धमाकों को लेकर प्रशासन ने सिर्फ फव्वारों से ही स्नान की इजाजत दी है। दरअसल शनिवार को आने वाली अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं और उज्जैन का प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर पर प्रति शनिश्चरी अमावस्या को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बड़ी संख्या में आए श्रद्धालु भगवान शनि को तेल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे, बड़े, जवान, महिला, पुरुष सभी पहले शिप्रा नदी में नहान करते हैं। उसके बाद दान के रूप में अपने कपड़े या जूते नदी के घाट पर ही छोड़ जाते हैं, जिनको प्रशासन बाद में नीलाम कर देता है। शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालु त्रिवेणी स्थित घाट पर डुबकी लगाकर नहान स्नान दान कर पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन इस बार नदी में पानी में कीचड़ और पास ही के घाट पर भूगर्भीय हलचल के चलते श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने को नहीं मिली। वहीं श्रद्धालु नदी के पानी से ही नहान करते नजर आए। इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आला अधिकारियों और प्रशासनिक अमले की ड्यूटी लगाई गई है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु अमावस्या होने के चलते पितृ दोष और ग्रहों की बिगड़ी चाल के पूजन भी करवाते हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर श्रद्धालु ने त्रिवेणी घाट पर शिप्रा नदी में फव्वारों से नहान के बाद शनि महाराज की पूजा कर पुण्य कमाया। शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर जहां देखो श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। मान्यता है कि नहान के बाद दान करने से पुण्य लाभ होता है। आगे बढ़िए सर, सामने दर्शन करो, थैला थैली मत देखो, छोड़ दो छोड़ दो। महाकाल का वो बेगम बाग 15 तारीख तो दी उनको। और यही है, इसी कारण भी इसका महत्व और बढ़ जाता है। पुरुष और महिलाएं सभी अपने ऊपर से सभी पनौती और बुरे ग्रह की दशा से बचना चाहते हैं। शनिश्चरी अमावस्या पर जो भी भक्त शिप्रा में डुबकी लगाता है, उसके बाद वो अपने कपड़े, जूते, चप्पल आदि सामान वहीं छोड़कर चला जाता है और देखते ही देखते जूते और कपड़ों का ढेर लग जाता है। बाद में इन सभी छोड़े गए सामानों की प्रशासन द्वारा नीलामी कर दी जाती है। विशेष मुहूर्त और शनि की पूजा से लाभ अमावस्या तिथि 12 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:05 से आरंभ हुई और इसका समापन 13 मार्च शनिवार दोपहर 3:51 पर हुआ। अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी किया जाता है। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। शनिचरी अमावस्या के दिन शनि हमारे गुरु है, इसलिए शनिचरी अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने और दर्शन करने के लिए आते हैं। और जब जब भी शनिचरी अमावस्या आती है तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी जो समारोह से स्नान किया होगा, कैसा रहा स्नान? स्नान बहुत अच्छा था, स्नान रहा हर बार से। इस बार व्यवस्था अच्छी है और प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी, कोई भगदौड़ नहीं, बड़े आराम से स्नान करा और आराम से दर्शन करा। अच्छा, कोविड और एक जो धमाके आसपास हो रहे थे, आपने भी सुना होगा, उसका कोई डर था क्या? नहीं, हमें कोई डर नहीं था, डर होता तो हम आते ही नहीं। आज जो पर्व है शनिश्चरी अमावस्या पर्व, शनिवार के दिन जो अमावस्या होती है उसे शनिश्चरी अमावस्या के साथ। अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शनिवार भी अमावस्या हुआ है और शनिवार का होने के कारण अमावस्या का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। शनिश्चरी अमावस्या को रात्रि कालीन से दर्शन चालू हो जाते शनि महाराज के। ये अति प्राचीन मंदिर होने की वजह से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता ज्यादा होता है। यहाँ त्रिवेणी संगम स्थित है, यहाँ पे श्रद्धालु अनेक नगरों से, अनेक जिलों से, यहाँ तक कि अलग अलग स्टेटों से भी यहाँ पधारते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं
और शनि महाराज के एक क्षण के दर्शन प्राप्त कर अपने सारे कष्टों का निवारण करते हैं। आज के दिन जो भी श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, जूते चप्पल वस्त्रों का दान करता है और आके शनि देव को तेल अर्पण करता है तो उसके सारे कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि यहाँ पे शनि की दशा विराजमान है। और सर्वप्रथम दशा को जब पूजन किया था वो राजा विक्रमादित्य ने किया था, तो उनकी प्रथा के अनुसार तभी से यहाँ पे शनिश्चरी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है।